नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान ने 6 महीने के लिए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को किया नजरबंद। जमात उद-दावा पर भी लग सकता है प्रतिबंध। बौखलाए सईद ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में पाक सरकार ने उठाया कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल सैली आर्ट्स को किया बर्खास्त। सैली ने न्याय विभाग को ट्रंप के इमिग्रेशन आदेश का बचाव नहीं करने का दिया था आदेश। बराक ओबामा के प्रशासन में हुई थी सैली की नियुक्ति। भारत पाक तनाव के बीच नेपाल में होगी सार्क सदस्यों की बैठक। 1 और 2 फरवरी को राजधानी काठमांडू में होगी बैठक। बैठक में सदस्य राष्ट्रों के संयुक्त सचिव 5 क्षेत्रीय केंद्रों के बजट समेत विभिन्न मुद्दों पर करेंगे बातचीत। इराक की संसद में ट्रंप के फैसले के विरोध में लाया गया प्रस्ताव। कहा, ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सरकार। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में 7 देशों में शामिल इराक के लोगों की एंट्री पर लगाया है प्रतिबंध। ईरान ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। मिसाइल की 1000 किलोमीटर की दूरी तक की है मारक क्षमता। अमेरिकी अधिकारियों ने की पुष्टि। और नहीं रही जर्मन ताराशाह एडॉल्फ हिटलर की नाजी सरकार की सचिव ब्रुनहिल्ड पोमसेल। नाजी सरकार में प्रचार मंत्री रहे जोसेफ गोएबल्स की थी सचिव। 106 साल की थी पोमसेल। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।